आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। इस खास पल की बड़े ही जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। बताया जा रहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 7000 से ज्यादा लोगों को न्योता दिया गया है, जिसमें से 3000 वीवीआईपी लोग शामिल होंगे। इस भव्य समारोह के लिए बॉलीवुड के से लेकर साउथ की बड़ी बड़ी हस्तियों को न्योता मिला है। इसी बीच सोशल मीडिया पर केजीएफ के रॉकी भाई उर्फ यश को लेकर एक खबर काफी वायरल हो रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर साउथ सुपरस्टार यश को लेकर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि एक्टर ने राम मंदिर के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की बड़ी रकम दी है। इतना ही नहीं, यश की एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिसमें वो भगवा गमछे में दिखाई दे रहे हैं। इस तरह का दावा किया जा रहा है कि एक्टर राम मंदिर के दर्शन करने गए हैं और उन्होंने राम मंदिर के लिए 50 करोड़ रुपए दिए हैं। लेकिन आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये खबर पूरी तरह से फेक है। दरअसल एक्टर ने राम मंदिर के निर्माण में 50 करोड़ का डोनेशन नहीं दिया है और ना ही वो राम मंदिर के दर्शन करने पहुंचे हैं। बता दें कि यश की जो फोटो वायरल हो रही है वो राम मंदिर की नहीं बल्कि तिरुपति मंदिर की है। एक्टर साल 2022 में फिल्म केजीएफ 2 की रिलीज से पहले तिरुपति के दर्शन करने गए थे, जिससे जुड़े आपको सोशल मीडिया पर कई आर्टिकल मिल जाएंगे। ऐसे में एक्टर को लेकर जो दावा किया जा रहा था वो झूठा साबित हो गया है। 50 करोड़ रुपए राम मंदिर निर्माण के लिए देने वाली खबर पूरी तरह से फेक है। बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही फेक खबरें फैल रही हैं। लोग इस तरह की खबरों को देख सच समझ लेते हैं, लेकिन अब खबर का सच सामने आ गया है। बता दें कि राम मंदिर के निर्माण के लिए बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों को न्योता मिला है, जहां बॉलीवुड से अमिताभ बच्चन, कंगना रनौत, अक्षय कुमार, रणवीर, आलिया, माधुरी, जैकी श्रॉफ समेत कई सुपरस्टारों को न्योता मिला है। वहीं बॉलीवुड के अलावा साउथ की जानी मानी हस्तियों को भी न्योता मिला है। बताया जा रहा है कि साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को भी इस भव्य समारोह में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा साउथ एक्टर धनुष को भी इस समारोह में आने का न्योता मिला है। इसके अलावा फिल्म कंतारा के एक्टर ऋषभ शेट्टी को भी इस खास समारोह के लिए बुलाया गया है। इतना ही नहीं, एक्टर मोहनलाल और चिरंजीवी को भी इस भव्य समारोह के लिए न्योता मिला है। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी, इन सभी फिल्मी हस्तियों में से कौन कौन 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन में पहुंचता है। वैसे इस खबर पर क्या है आपका कहना, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।